फ्रेंड्स, फ्रोलिक स्टेज पे मैं संगीता बठेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, फ्रोलिक स्टेज पर मैंने आपके साथ वाटर फ्लोटिंग कैंडल, वाटर कैंडल, इसके अलावा जेल कैंडल शेयर की है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैक्स कैंडल। आप इन कैंडल्स को भी घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इन कैंडल्स को इस दीपावली पे बनाइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें अपनी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस लेकर मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। कैंडल मेकिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें आपके पास जितनी क्रिएटिविटी है आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव वर्क है। आज मैं आपके साथ जेल कैंडल मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं आपके साथ वैक्स कैंडल शेयर कर रही हूँ। वैक्स कैंडल में भी हम कई कैंडल्स लेके चलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी कैंडल्स के भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन्हें भी देखिएगा। जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इसे ना सिर्फ अपने घर की कैंडल्स तैयार कर सकते हैं बल्कि बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। आज जो मैं कैंडल बनाने जा रही हूँ वो मोल्ड में नहीं बना रही हूँ, मैंने यहाँ डिस्पोजेबल कप लिए हैं। साथ ही इस तरह के ग्लासेस घर में रहते हैं, आप ग्लास ले सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके बहुत डिफरेंट टाइप के मोल्ड वगैरह मिलते हैं, आप वो परचेज़ कीजिए। इस तरह का थ्रेड मार्केट में मिलता है। इस थ्रेड के साथ हमें इस तरह की रिप्ट चाहिए, ये वॉशल कहलाती हैं, वॉशल हमें चाहिए। थ्रेड में हम वॉशल को डालेंगे। अब वॉशल को फिक्स करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि हमने थोड़ा लंबा थ्रेड ऊपर रखना है और इसके इस पोर्शन को हमने प्लास से प्रेस कर देना है इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा है बैक साइड में उसे काट लेंगे। ये हमारी वॉशल जो है तैयार हो गई है इस तरीके से। सेकंड मेथड है, आपने थ्रेड लेना है, इस पे दो या तीन नॉड लगानी है। ये मैंने दो नॉड लगा ली हैं। अब हम वॉशल को डालेंगे और इसे पीछे पुश करके देखेंगे, वॉशल इधर से निकलनी नहीं चाहिए। अब थ्रेड की जहाँ नॉड लगाई है वहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये भी हमारा थ्रेड तैयार हो गया। इस तरह से हमने जो कैंडल के थ्रेड्स हैं वो तैयार करने हैं। आपने जितनी कैंडल्स बनानी है उतने आप थ्रेड इस तरीके से तैयार करेंगे। थ्रेड की जो लंबाई है ऊपर थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अब मोल्ड या ग्लास या कप आप जो भी लें उसे सबसे पहले आप ऑयल लेके ग्रीस करेंगे। अंदर से आपने अच्छे से कोई भी वेजिटेबल ऑयल, कोई भी घर में किचन में जो भी आप ऑयल लेते हैं उसे आप इस तरीके से अच्छे से ग्रीस करना है। उसे ग्रीस करने से कैंडल इजीली निकल आती है। जेल कैंडल बनाने के लिए हमें जेल वैक्स की ज़रूरत होती है और वैक्स वाली कैंडल बनाने के लिए हमें ये पैराफिन वैक्स है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप जहाँ भी स्कूल कॉलेज या डिग्री कॉलेज हैं उन कॉलेजेस के पास में आपको ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वैक्स को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। वैक्स को कभी भी मेल्ट करते हुए फ्लेम को जो है वो हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही इसे धीरे धीरे मेल्ट होने दीजिए और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। लेकिन वैक्स है, हाथों पे अगर गिर गया तो हाथों पे चिपकने का डर रहता है, इसलिए इस काम को करते हुए थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। यहाँ हम तीन तरह की बना रहे हैं। अगर आपने सिंगल शेड की बनानी है तो आप ग्रीस किए हुए कप में इसे डालेंगे। ये देखिए ये वैक्स काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। जो थोड़ा बहुत वैक्स रह जाता है वो अपने आप से ही बर्तन गर्म होने की वजह से मेल्ट हो जाता है। हमें इसे थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोकना है। अगर आप जब भी ये कप खरीदते हैं आपने ध्यान देना है, ये अच्छी क्वालिटी का कप होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड आपने ध्यान देना है प्लास्टिक का कप आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे। आपको इसी तरीके से कागज़ का या फिर थर्मोकोल के कप आते हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें गरम गरम बिल्कुल जैसे आपने मेल्ट किया तुरंत आप इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ी देर उसे थोड़ा कुछ कूल डाउन होने दीजिए, देन हम इसमें मोल्ड में इसको पोर करेंगे। अब जो ये बाती है इसे लगाने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से पेंसिल पे इसे लपेट लीजिए
जो भी एक्स्ट्रा है हम पेंसिल पे लपेट के इसे छोड़ देंगे ताकि ये सेंटर में रहे। और या फिर इस तरह की चिमटियाँ वगैरह होती हैं तो आप चिमटियाँ भी लगा सकते हैं। फर्स्ट जो बना रहे हैं हम कैंडल डबल कलर की बना रहे हैं। डबल कलर के लिए दो टेक्निक्स हैं। वैसे तो आप अपनी क्रिएशन के हिसाब से कितने भी टेक्निक्स अपना सकते हैं। एक है कि आपने एक सिंगल कलर को पोर करना है। ये मैंने दोनों कप्स में सिंगल एक कलर को पोर किया है। मैंने यहाँ वाइट ही लिया है। इसमें मैं इस बाती को सेंटर में डाल दूंगी और ये मैंने पेंसिल पे लपेटी हुई है, इसे हम फिक्स कर देंगे बिल्कुल सेंटर में लेके। मैंने इसमें वाइट कलर का यानी कि ट्रांसपेरेंट वैक्स को पोर किया है और उस पर मैंने बाती को अंदर सेट करके इसे हम बिल्कुल सेट होने देंगे, यानी कि वैक्स की एक लेयर है ये पूरी तरह से सेट होगी। जब ये जम जाएगी तब हम इसमें सेकंड कलर डालेंगे। मैंने यहाँ एक कैप लिया है। कैप को रख के मैं इसे कप को टेढ़ा रखूँगी इस तरीके से ताकि ये एक टेढ़े तरीके से एक लेयर इस तरीके से क्रिएट हो जाए इसमें। अब आती है कलर्ड वैक्स की। हमें अगर कलर्ड कैंडल बनानी है तो उसके लिए कलर्स चाहिए। कलर्स जो वैक्स में तीन तरह के कलर यूज़ होते हैं। वैक्स कैंडल बनाते हुए आप डाइस कलर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मोस्टली कैंडल कलर्स के नाम से मिलते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आप क्रियोन कलर जो बच्चों के वैक्स कलर आते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट वो कलर जो वैक्स कलर है वो लाइट रहता है, यानी कि मान लीजिए आपने रेड कलर बनाना है तो वो लाइट में ही बनेगा, डार्क बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो पाता है। डाइस कलर जो रहते हैं उसमें ये रहता है कि अगर कलर की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी वैक्स की जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑयल कलर। ऑयल की इस तरह ऑयल कलर की ट्यूब्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको यह कलर मिल जाएंगे। आपको जिस भी कलर की कैंडल बनानी है अगर आप इसको उद्योग के रूप में लेते हैं यानी कि आप इसे बिजनेस पर्पज से लेते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें ऑयल कलर का ही इस्तेमाल करें। ऑयल कलर से जो कैंडल की क्वालिटी है बहुत अच्छी आती है। हम मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा ग्रीन कलर। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, जो भी आप बर्तन यूज़ करेंगे उस बर्तन को फिर घर में दोबारा यूज़ नहीं कीजिए, वो कैंडल के लिए ही रखिए। मैंने ये ग्रीन कलर की कैंडल बना रही हूँ, सिंगल कलर ही लिया है। तो पूरे कप को इस पैक से पोर करके भर देंगे। कलर को डालने के बाद पोर करने से पहले ध्यान रखिएगा वैक्स को गरम गरम नहीं पोर करना है, कुछ ठंडा होने के बाद ही पोर कीजिए, अदरवाइज़ जो बबल्स हैं वो ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। हमें कैंडल में बबल्स नहीं चाहिए, जितने बबल्स कम आएंगे कैंडल उतनी ही अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। और जो भी कलर आप बनाते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा बना के रखिए क्योंकि जब ये कैंडल थोड़ी कूल डाउन होगी तो सेंटर में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। जैसे ही थोड़ा ये सेटल हो जाएगा अगेन हम उस कलर को गरम करके मेल्ट करके थोड़ा पोर करेंगे। इस कैंडल को भी हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये सेटल हो जाए। जो ये कप हमने तिरछा रखा था इसे हम सीधा करेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप इसमें चाहते हैं कि एक कलर दूसरे कलर में हल्का मर्ज हो जाए तो आप इसको पूरी तरह से सेटल नहीं होने देंगे। ये हल्का अभी गर्म है, मैं इसी स्टेज पे इसमें ये बत्ती को बीच में इंसर्ट कर रही हूँ। सेंटर लेके हमने ये अंदर लगा देनी है। और अगर आप इस पे दो या तीन लेयर बना रहे हैं तो आप अब सेकंड कलर इधर डाल के इसको फिर से तिरछा करेंगे इस साइड में, ऑपोजिट साइड में, जब जिस साइड में हमने पहले किया उसके ऑपोजिट साइड में। ये कलर ग्रीन कलर है जो कि हल्का मेल्ट है। ये प्लेन वाली नीचे वाइट जो बेस हमने लिया था उस पर थोड़ा ग्रीन कलर डाल रहे हैं। जो ये हमने एक साइड में किया था वाइट कलर, सेकंड हम ग्रीन कलर ले रहे हैं और इसे भी सेट होने देंगे। मैं इसमें रेड कलर डाल रही हूँ
मैं इसमें रेड थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ कलर, क्योंकि मुझे ये थोड़ा डार्क कलर चाहिए। फ्रेंड्स ये हम टेक्सचर कैंडल बना रहे हैं, इसके लिए हमने आइस क्यूब्स को इसके अंदर डालना है, ध्यान रखना है बाती को बिल्कुल सेंटर में रखना है। बाती हमारी जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए। सारे गिलास या मोल्ड जिसमें भी आप कैंडल बना रहे हैं उससे बर्फ से भर देंगे। अब धीरे धीरे हम इसमें वैक्स को पोर करेंगे। ये वैक्स साथ के साथ ही जमना शुरू हो जाएगा और जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद पानी को हम निकाल के कैंडल को निकालेंगे, एक बहुत सुंदर टेक्सचर इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। इस कैंडल को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं और दिवाली पे इसे जला भी सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है ये कैंडल। फर्स्ट कलर वाइट, सेकेंड ग्रीन, अब मैं इसमें थोड़ा रेड कलर पोर कर रही हूँ। ये हमारी ट्रिपल कलर की कैंडल तैयार है। इसमें भी मैंने दो तिरछी लाइनें ली हैं और थर्ड मैं स्ट्रेट ले रही हूँ। बस ध्यान रखना है नीचे वाला जो है वो पूरी तरह सेटल होना चाहिए, अगर वो पूरी तरह से सेटल नहीं होगा तो ये कलर्स थोड़े आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होके एक से शेडिंग इफेक्ट आएगा। अगर आप शेडिंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो एक कलर को पूरी तरह सेटल होने से पहले ही दूसरे कलर को पोर कीजिए। फ्रेंड्स इसी कप में हम फ्लोटिंग कैंडल भी बना सकते हैं। प्लेन वाली जो फ्लोटिंग कैंडल होती है वो इसी कप में आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑयल से पहले कप को ग्रीस करेंगे। हमने जो वैक्स पोर करना है हमें ध्यान रखना है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, यानी कि जो उसकी मोटाई है लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर ही होगी। अगर इससे ज़्यादा हुई तो वो फ्लोट नहीं करेगा, अंदर डूब जाएगा। तो मैं इस कप में वैक्स को पोर कर रही हूँ। ज़्यादा ऊंचाई हमने नहीं लेना है, मैंने यहाँ इसे इतना ही पोर किया है और इसे भी हम सेटल होने देंगे। ये जब कुछ सेटल हो जाएगा तभी हम इसके अंदर बाती को सीधा छोटा सा काट के लगा देंगे। फ्रेंड्स इन कैंडल्स को हम डीमोल्ड करेंगे, इसके लिए हमने कप को काटना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो हम कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सारी कैंडल्स को डीमोल्ड करना है। फ्रेंड्स ये कैंडल अगर आपने प्लेन बनानी है तो आप इसे इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आप चाहें तो ड्राई लीव्स, पेटल्स कुछ भी आप इस पे चिपका सकते हैं। एक प्लेट को हमने गर्म करना है और इस तरीके से इसे घुमाना है। मैंने यहाँ कुछ ग्लिटर लिया हुआ है, इसे गर्म गर्म ही तुरंत ग्लिटर पर हम घुमाएँगे। थोड़ा सा ग्लिटर मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये हमारी ग्लिटर वाली कैंडल तैयार है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है वैक्स कैंडल को घर पे बनाना। इस फेस्टिव टाइम पे आप भी इन वैक्स कैंडल्स को घर पे बनाइए, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए ये बहुत ही सुंदर कैंडल्स बनके तैयार होंगी। आप इसे बनाइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।